दोस्तों मैं हमेशा जब भी वेबसाइट डेवलप करता था तो सोचता था काश कि एक ऐसी वेबसाइट मिल जाए जिसको मैं कॉपी कर लूं और उसमें अपने चेंजेस करके वेबसाइट बना लूं। दोस्तों क्या ये सॉल्यूशन अवेलेबल है? तो दोस्तों मैं कहूंगा ये सॉल्यूशन है एस्ट्रा की तरफ से। बनी बनाई वेबसाइट्स को यूज करके आप उसमें एडिटिंग कर सकते हो, सिर्फ पिक्चर्स कॉन्टेंट चेंज कर दोगे तो वह वेबसाइट आपकी हो जाएगी। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डिजिटल संजोग। दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट, वो है वर्डप्रेस थीम को इंस्टॉल करना। तो आप अगर वेबसाइट डेवलपमेंट का काम जब शुरू करते हो तो कस्टमाइजेशन में आने के बाद में आप अटक जाते हो। ऑल्दो आपके पास में एलिमेंटर जैसा वेबसाइट बिल्डर होने के बावजूद आप ड्रैग एंड ड्रॉप करने में डिफिकल्टीज महसूस करते हो। दोस्तों ये पेन जो है, ये वेब पेन पॉइंट जो है, ये बहुत सारे लोगों का है, क्योंकि हम लोग नॉन टेक्निकल लोग हैं, हम लोग वेबसाइट डेवलपर्स नहीं है, हम लोग टेक्निकल स्ट्रांग नहीं है, इसके बावजूद हमको वेबसाइट डेवलप करना है। तो दोस्तों क्या एलिमेंटर को यूज करते हुए भी आप डिफिकल्टी फेस करते हो? तो चाहिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखिए अगर आपका ये प्रॉब्लम है, क्योंकि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है आज। तो दोस्तों क्या करें कि अच्छे रेटिंग वाली थीम को चूज करने के बाद इजी वे में आप वेबसाइट डेवलप करो। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एस्ट्रा थीम के बारे में, जिनमें आप बनी बनाई वेबसाइट्स को यूज करके आप उसमें एडिटिंग कर सकते हो, सिर्फ पिक्चर्स कंटेंट चेंज कर दोगे तो वह वेबसाइट आपकी हो जाएगी। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आ चुके हम लोग डैशबोर्ड के ऊपर में, और डैशबोर्ड के ऊपर में आने के बाद में आपको आना है अपीयरेंस के ऊपर में। अपीयरेंस के ऊपर जैसे क्लिक करोगे दोस्तों थीम्स वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा यहाँ पर, और अगर नहीं होता है तो आपको इसके ऊपर क्लिक कीजिए ताकि आप थीम्स के सेक्शन के ऊपर में आ जाओ। अब दोस्तों यहाँ पर दो थीम्स दिखाई दे रही, कई बार आपको एक थर्ड थीम भी दिखाई दे सकती है जो बाय डिफॉल्ट वर्डप्रेस के ऊपर में एक्टिवेट होकर आती है। दोस्तों जैसे आप देख सकते हो एक थीम इसमें से एक्टिव है और दूसरे को हम लोग चाहे तो एक्टिवेट कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों हम लोग सीख रहे हैं एक्स्ट्रा थीम्स के बारे में जिनको यूज़ करके इजी वे में आप वेबसाइट डेवलप कर सकते हो। तो उसके लिए आपको ऐड न्यू थीम को चूज़ करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको मल्टीपल थीम्स दिखाई देना शुरू हो जाएंगे दोस्तों, लेकिन हम लोगों को यहाँ पे सर्च में आकर टाइप करना है एस्ट्रा। जैसे ही एस्ट्रा आप टाइप करोगे आपको ये थीम दिखाई देगी, और इस थीम को आप देख सकते हैं एस्ट्रा की थीम है। इसको अगर मैं डिटेल्स में जाऊँ तो आप देखिए यहाँ पर 5 स्टार्स यहाँ पर मिले हुए दोस्तों, और अगर आप इसको चेक भी करेंगे गूगल के ऊपर में जाकर, जैसे यहाँ एस्ट्रा मैंने कॉपी कर लिया है यहाँ से, और अगर हम लोग गूगल के ऊपर आप में आते हैं और गूगल के ऊपर में एस्ट्रा थीम वर्डप्रेस टाइप कर लेते हैं और हम लोग ओपन करते हैं वर्डप्रेस का पेज जहाँ पर ऑफिशियली वर्डप्रेस ने इसको रिव्यू किया है, और देख सकते हैं यहाँ पर कि लास्ट अपडेट December 21 को आया, मतलब 1 मंथ पहले। एक्टिव इंस्टॉलेशन दोस्तों 1 मिलियन, और 1 मिलियन मतलब 10 लाख प्लस लोगों ने इस थीम को यूज़ करके अपनी वेबसाइट बनाई हुई है। उसके बाद में इसका वर्जन देख सकते हैं 5.3 और अबव, मतलब हाई वर्जन है। PHP वर्जन देख सकते हैं, वो भी ज़्यादा है। उसके बाद में देख सकते हो रेटिंग, दोस्तों रेटिंग भी जो है 5 out of 5 stars यहाँ पे दी हुई है। इसका मतलब एक सही थीम है दोस्तों जिसके ऊपर में आप वेबसाइट बना सकते हो, और इस थीम को हम लोगों को इंस्टॉल करना है। जैसे ही इंस्टॉल के ऊपर में हम लोग क्लिक करेंगे वैसे ही इंस्टॉलेशन की प्रोसेस शुरू हो जाएगी दोस्तों यहाँ पर। अब दोस्तों आप देख सकते हैं इंस्टॉलेशन हो चुका है, अब हम लोग को इसको करना है एक्टिवेट। ये थीम जो है एक्टिवेट हो चुकी है। टेस्ट साइट में जाकर व्यू साइट करूँ, इसको मैं दूसरे टैब में ओपन कर लेता हूँ, तो मुझे कुछ ऐसे इस तरह की वेबसाइट दिखाई दे रही है थीम इंस्टॉलेशन के बाद। दोस्तों हम लोगों को चाहिए एक अट्रैक्टिव थीम जिसको यूज़ करके आप अपनी वेबसाइट इजीली बनाओ, जिसको यूज़ करके आप एस्ट्रा थीम के ऊपर में बनी बनाई वेबसाइट्स को इंस्टॉल करा सकते हो। अब उसके लिए आपको आना होगा दोस्तों प्लगइन सेक्शन में, और यहाँ पे करना है ऐड न्यू। दोस्तों हम लोग सर्च के ऑप्शन में आना है और यहाँ पे टाइप करना है स्टार्टर। स्टार्टर टेम्पलेट कहा जाता है उसको, और ये एक प्लगइन है जो एस्ट्रा की ही प्लगइन है। ये प्लगइन यहाँ पे दी है दोस्तों, इसको इंस्टॉल करना है आपको। आप इंस्टॉल नाउ कर लीजिए इसको, और उसके बाद में आपको इसको करना होगा एक्टिवेट, ताकि आप इस स्टार्टर टेम्पलेट को यूज करके बनी बनाई थीम्स को अपनी एस्ट्रा के थीम के ऊपर में इंस्टॉल करके अपना काम कर सकते हो। अब दोस्तों इसको इंस्टॉल तो कर लिया है, इसको कर देते हैं एक्टिवेट। अब दोस्तों एक्टिवेट हो चुकी है, यहाँ पर सी लाइब्रेरी में के ऑप्शन के ऊपर में क्लिक करके आ सकते हो दोस्तों। जैसे सी लाइब्रेरी करोगे आपको यहाँ पे बिल्ड योर वेबसाइट नाउ का ऑप्शन आ जाएगा। अब दोस्तों इस टैब को मुझे क्लिक करना है, जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो मुझे 3 ब्लॉक एडिटर, एलिमेंटर और
बिहेवियर बिल्डर, ये तीन ऑप्शन दिख रहे हैं। ये तीनों वेबसाइट बिल्डर है दोस्तों, लेकिन सबसे फेमस और सबसे इजीएस्ट वेबसाइट बिल्डर है एलिमेंटर। तो हम लोगों को एस्ट्रा के ऊपर में एलिमेंटर के साथ में जो एनेबल्ड थीम्स है उसको ढूंढना है दोस्तों। और एक तरीका है ढूंढने का कि आप वेबसाइट के ऊपर में भी जा सकते हो एस्ट्रा के, और यहाँ पर स्टार्टर टेम्पलेट्स दिए हुए हैं आपको। यहाँ पर एलिमेंटर पेज बिल्डर का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, उसको सिलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद में आपको यहाँ पर थीम्स नीचे दिखाई देगी। इसमें से कोई भी थीम आप चूज कर सकते हो दोस्तों। ये बनी बनाई वेबसाइट्स की थीम्स हैं जिनको चूज करके, सपोज आप योगा स्टूडियो चला रहे हो तो योगा की साइट लोगे, अगर आपका कोई बेबी और फैशन एंड नर्सरी प्रोडक्ट है तो उसकी आप इस वेबसाइट को यूज कर सकते हो, अगर आप पर्सनल ट्रेनर हो तो इसको यूज कर लीजिए, अगर आप जो है लर्निंग बेकिंग प्रोडक्ट्स है दोस्तों आपके तो आप उसके लिए यूज कर सकते हो, अगर आपका कोई रेस्टोरेंट है कोई कोई होटल है तो उसके हिसाब से आपको थीम मिलेगी दोस्तों। साथ में आपको यहाँ पर वूकॉमर्स की थीम्स भी मिल सकती है, अगर आप ढूंढोगे तो यहाँ पे मिल जाएगी दोस्तों। और इस तरह से आपको कोई भी एक थीम चूज कर लीजिए इसमें से। मैं एक थीम चूज कर लेता हूँ, जैसे मैं कंसिडर करता हूँ कि आज मैं इसको यूज करूँ, और इस थीम को एक बार देख लें हम लोग कि किस तरह की है। शॉप नाउ का ऑप्शन यहाँ पे दिया दिखाई दे रहा है, एक ई कॉमर्स की थीम है दोस्तों और इसको मुझे यूज करना है दोस्तों। यहाँ पे एलिमेंटर इस ऑप्शन के ऊपर में क्लिक करना है। अब फ्रेंड्स, हम लोगों ने जो वेबसाइट के ऊपर में थीम देखी थी उसी थीम को आप वर्डप्रेस के थीम इंस्टॉलेशन के बाद में आप चेक कर सकते हो, और यहाँ पर मुझे वो थीम दिखाई दे रही है तो इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्शन के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर अपलोड फाइल हियर, डोंट हैव लोगो, नो प्रॉब्लम, इस तरह के कुछ आपको पैरामीटर्स दिख रहे हैं, लोगो वेट के पैरामीटर दिख रहे हैं, लेकिन इसको हम लोग स्किप कर देते हैं क्योंकि हम लोग सब बाद में करेंगे। कुछ कलर कॉम्बिनेशन भी दिया है दोस्तों जिसके हिसाब से आप अपनी वेबसाइट के कलर चेंज कर सकते हैं। जब मैं ये कर लेता हूँ तो आप देख सकते हैं इसके कलर चेंज होते जा रहे हैं, और इन कलर्स को जैसे भी आपको कलर कॉम्बिनेशन चाहिए उसके हिसाब से आप इस बेसिक थीम को यूज़ कर सकते हो। और उसके बाद में आप यहाँ पर चेंज फॉन्ट अगर करना है मुझे तो फॉन्ट भी मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, जैसे भी मुझे फॉन्ट अच्छे लगते हैं उन फॉन्ट्स को यूज़ करके मैं इसको कर दूंगा कंटिन्यू। दोस्तों कंटिन्यू करने के बाद में मैं आ चुका हूँ एक टेबल के ऊपर में जहाँ पर मेरा नाम पूछा जा रहा है। उसके बाद में आप देख सकते हो एडवांस ऑप्शन, इम्पोर्ट कस्टमाइजर सेटिंग्स, इम्पोर्ट विजेट्स, इम्पोर्ट कॉन्टेंट और शेयर नॉन सेंसिटिव डाटा। ये चारों चीज़ों के ऊपर में मैंने क्लिक कर दिया है, और सबमिट एंड बिल्ड माई वेबसाइट के ऑप्शन के ऊपर में मैं क्लिक कर देता हूँ। सो जैसे मैं क्लिक करूँगा दोस्तों, इंस्टॉलेशन रिक्वायर्ड थीम प्लगइन्स फॉर्म्स, इंस्टॉलेशन शुरू हो गया दोस्तों। जैसे ही इंस्टॉलेशन प्रोसेस चल रही है उसी पीरियड में जो भी प्लगइन्स यहाँ पे रिक्वायर्ड होती है दोस्तों वो प्लगइन्स भी ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाती है। जैसे ये साइट जो है ई कॉमर्स साइट है तो वो कॉमर्स की जरूरत पड़ेगी तो वो कॉमर्स भी इंस्टॉल हो जाएगा। साथ में अगर यहाँ पर कोई पर्टिकुलर और भी डब्ल्यू पी फॉर्म्स वगैरह क्रिएट करने होंगे वो डब्ल्यू पी फॉर्म्स ये भी प्लगइन्स इंस्टॉल हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। अगर दोस्तों नहीं होते हैं सपोज तो उनको हम लोग मैन्युअली भी कर सकते हैं, तो एरर्स आने के चांसेस होते हैं कई बार, आप उन एरर्स को अवॉइड कर सकते हो। आप मैन्युअल जाकर उन प्लगइन्स को ऐड कर सकते हो जिन भी प्लगइन्स की आपको रिक्वायरमेंट है, लेकिन बाय डिफॉल्ट एस्ट्रा जिन इस थीम को या थीम को जो एनेबल्ड करती है प्लगइन्स वो इंस्टॉल करा देती है, तो वही इंस्टॉलेशन प्रोसेस चल रही है इसलिए यहाँ पर समय लगता है। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज आ चुका है यहाँ पर, और हमारी साइट जो है वो बनने के लिए रेडी है दोस्तों। सो योर वेबसाइट इज रेडी एंड इट टुक जस्ट 2.43 मिनट्स टू बिल्ड। दोस्तों आप देख सकते हो इतने कम समय में आपकी वेबसाइट रेडी है। अब दोस्तों यहाँ पर व्यू योर वेबसाइट इस लिंक के ऊपर में अगर क्लिक करोगे तो आपकी वेबसाइट यहाँ पर ओपन हो जाएगी, और आप देख सकते हो ये आपकी वेबसाइट यहाँ पर बन चुकी है दोस्तों, और ये बनी बनाई वेबसाइट है, और यहाँ पर आपको करने हैं कुछ चेंजेस। दोस्तों यहाँ पे चलते हैं हम लोग वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के ऊपर में, एग्जिट टू डैशबोर्ड में आ जाएंगे हम लोग यहाँ पर, और वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के ऊपर जाके देखते हैं कौन सी एक्स्ट्रा प्लगइन्स यहाँ पे इंस्टॉल हुई है जो हमारे काम में आने वाली है, ताकि हमको पता चल जाए कि प्लगइन्स यहाँ पर आप इंस्टॉल प्लगइन में आ जाओ, ताकि आप अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट बहुत आसानी से यहाँ पे बना पाओ। आप देख सकते हैं दोस्तों वू कॉमर्स की प्लगइन आ चुकी है, वू कॉमर्स आर्ट, एबंडमेंट रिकवरी ये आ चुका है, डब्ल्यू पी फॉर्म्स आ चुका है दोस्तों, इसको तो हम लोग इंस्टॉल कर चुके थे स्टार्टर टेम्पलेट्स को, एलिमेंटर भी इंस्टॉल हो चुका है, तो ये एक्स्ट्रा प्लगइन्स यहाँ पे कार्ट फ्लोज ये भी आ चुका है दोस्तों, ये प्लगइन्स यहाँ पे इंस्टॉल हो चुकी है, और इन प्लगइन्स को यूज करके आप एक ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हो, या फिर जो भी आपको वेबसाइट बनानी चाहिए, ब्लॉगिंग साइट हो, चाहे आपके छोटे मोटे बिजनेस के लिए वेबसाइट हो, किसी भी तरह के बिजनेस के लिए, या फिर आपके
प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए आप वेबसाइट इसी तरह से बना सकते हो। अब दोस्तों आप लोग फिर से एक बार आ जाते हैं वेबसाइट के ऊपर में। दोस्तों चेंजेस करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर टेस्ट साइट, कस्टमाइज, न्यू, एडिट पेज, एडिट विद एलिमेंटर और WP फॉर्म्स जैसे टैब्स दिए हैं। दोस्तों आपके यहाँ पे पेजेस भी ऑटोमेटिकली क्रिएटेड हो चुके हैं, होम, स्टोर, मेन, वुमेन, एसेसरीज, अकाउंट, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस। दोस्तों यहाँ पे डॉलर्स वाला साइन भी दिख रहा है, तो जो भी माई कार्ट है आपका, आपके वेबसाइट का जो जिस कार्ट को यूज करने वाले हैं लोग, वो भी यहाँ पर आ चुका है। अगर आपको इसको चेक करना है तो आप यहाँ पे जा सकते हैं पेजेस में। आप ऑल पेजेस में जैसे आ जाओगे आपको दिखाई देगा कि ये पेजेस ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गए। दोस्तों अब दोस्तों इस वेबसाइट को अगर एडिट करना है हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज के हिसाब से, तो आपके पास में यहाँ पे टैब्स दिए हुए हैं। इन टैब्स को यूज करके बड़ी आसानी से आप अपनी वेबसाइट के ऊपर में चेंजेस कर सकते हो, इस वेबसाइट को अपने हिसाब से, अपने प्रोडक्ट के हिसाब से ढाल सकते हो। तो उसके लिए जो इम्पोर्टेंट टैब है दोस्तों वो है एडिट विद एलिमेंटर और एडिट पेज। एडिट पेज के ऊपर में चले जाओगे तो आप पेज वाइज एडिटिंग करना शुरू करोगे, और अगर एडिट विद एलिमेंटर पे आओगे तो यहाँ पे दो टैब्स दिखाई दे रहे हैं, साइट सेटिंग्स और थीम बिल्डर। दोस्तों थीम बिल्डर में जाओगे तो आपको प्रो वाला ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा, मतलब अगर इस थीम को परचेस करोगे तो आपको एक्स्ट्रा और भी चीज़ें मिलेगी, लेकिन फ्री में करना है तो आपको साइट एडिटिंग के ऊपर में आना है, और साइट सेटिंग के ऊपर में जैसे आप क्लिक कर दोगे आप जाओगे एलिमेंटर इस प्लगइन के ऊपर में, और वहां पर जाकर आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपनी वेबसाइट को बिल्ड करना शुरू करोगे। दोस्तों यहां पर आपके जितने भी पेजेस हैं उन पेजेस को सिलेक्ट करके आप वेबसाइट के ऊपर में काम कर सकते हो। और जैसे हम लोग यहां पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं यहां पर एक सेक्शन, एक टेबल ओपन हो गया। यहां पर मैं जो भी मुझे डिटेल चाहिए उस तरह की डिटेल्स यहां पर फिलअप करना शुरू कर सकता हूँ। दोस्तों इसके बाद में यहाँ पे 25% ऑफ ऑन ऑल प्रोडक्ट्स लिखा है। दोस्तों इसको अगर चेंज करना है तो फिर से मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। इस बटन को अगर मुझे चेंज करना है, शॉप नाउ की जगह कोई और मुझे रखना है, बाय नाउ करना है, तो आप मुझे यहाँ पर टेक्स्ट बेस्ड टेबल में आ चुके हैं और यहाँ पर आप बाय नाउ का ऑप्शन ऊपर कर सकते हो। दोस्तों मैं आने वाले वीडियो में बताऊंगा किस तरह से आप एक वेबसाइट बना सकते हो और किस तरह के चेंजेस पे काम कर सकते हैं। दोस्तों एस्ट्रो को इंस्टॉल करके आपको 200 टेम्पलेट्स मिल जाते हैं, जिनमें से आप अपनी वेबसाइट, अपनी थीम चूज करके, एक बनी बनाई वेबसाइट के ऊपर में चेंजेस करके अपनी वेबसाइट कैसे बनाते हैं समझ गए होंगे। इसके बावजूद अगर आपका क्वेश्चन है तो जाइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में मुझे पूछिए ताकि मैं आपको रिप्लाई कर पाऊं, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि सब्सक्रिप्शन बहुत जरूरी है मेरे लिए और आपको भी, आपके लिए भी, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन आते रहेंगे वेल इन एडवांस कि मेरे कौन से वीडियोज आने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए दोस्तों। थैंक यू सो मच, सी यू सून, बाय बाय।